सतना दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेगांव विधानसभा सीट को लेकर मंथन चिंतन करेंगे, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो आज सतना के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। रहेगांव विधानसभा सीट का जायजा लेंगे, वहां पर चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सतना दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। रहेगांव विधानसभा के उपचुनाव को लेकर और इस खबर हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आज वीडी शर्मा सतना दौरे पर हैं और लगातार जिस तरह से वो उपचुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को लगातार जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले खंडवा वो पहुंचे थे और आज सतना उनका दौरा है, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, विष्णुदत्त शर्मा जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे थे, बात तो साफ जाहिर होती है कि वो किसी भी प्रकार के चूक आने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ने को लेकर वो चूक नहीं करना चाहते और इसी क्रम लगातार दौरे भी कर रहे हैं। खंडवा दौरा किया उन्होंने, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह वर्णन किया और उनके साथ साथ वहां की समस्याओं को सुना, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की। दूसरी बात, अब जो सतना और पन्ना के दौरे पर है, तो आज भी वो अब सतना पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद पन्ना पहुंच चुके हैं और पन्ना पहुंचने के साथ वहां पर तमाम विषयों पर चर्चा भी कर रहे हैं। वहां पर वो जो जनवार में स्केटिंग प्लेयर्स है उनके साथ मुलाकात भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो जो तमाम अलग अलग योजना जो सरकारी लोगों के माध्यम से चल रही है उनको भी निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। खास बात है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण देखें तो वो वहां पर कार्यकर्ताओं से, वहां के मंडल अध्यक्ष से, वहां के जो क्षेत्रीय विधायक है या जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, पूर्व कार्यकर्ता, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो वही की बात है, संगठन के उच्च पदाधिकारी तो उनका दायित्व है कि वो किस तरह से संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। प्रवास की श्रेणी में सारी चीज आती है, तो प्रवास के दौरान मिलना जुलना एक बीजेपी की परंपरा भी है। तो अब वीडी शर्मा आने वाले समय में उपचुनाव के दृष्टिगत रखते हुए सब लोगों को कर रहे हैं और उनका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट भी है कि अभी से कम कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले में जो उपचुनाव हुआ था उस उपचुनाव में एक शिकस्त मिली थी बीजेपी को और उसके बाद से उन्होंने नई रणनीति पर काम करना शुरू किया था जिसकी तैयारी उन्होंने उसी दिन शुरू कर दी थी, तो उसी तैयारियों के मद्देनजर इस दौरे को भी देखा जा सकता है। चलिए, तो जैसे जैसे अब उपचुनाव अब जवानेंगे तो निश्चित तौर पर सरगर्मियां भी तेज होती दिखाई देंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही अपनी तैयारियां पूरी शुरू कर दी हैं और पूरा जोर है कि हर हाल में जीत हासिल की। बहुत शुक्रिया शरद, इस तमाम जानकारी के लिए।